दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों पढ़े लिखे लोग भी गरीबी के दलदल में घुसते जा रहे हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी लोग क्यों गरीब रह जाते हैं? दोस्तों आप लोगों ने बात तो जरूर सुनी होगी कि खेल कूद सब धोखा है, पढ़ लो बेटा अभी भी मौका है, जिसके चक्कर में लोग अपनी आधी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करते रह जाते हैं। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी वो कभी अमीर नहीं बन पाते। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस शानदार वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसका पूरा सच बताने वाला हूं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिससे लोग अमीर बनने से पीछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों पढ़े लिखे लोगों के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन ना होना। क्योंकि आप चाहे जितने बड़े स्कूल कॉलेज में क्यों ना पढ़ते हो, आपको डिग्रियां तो मिल जाएंगी, लेकिन इन डिग्रियों से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो पैसा कमाने के लिए चाहिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े अकाउंटेंट जो करोड़ों में पैसों को संभालते हैं, उन्हें भी सिर्फ पैसा संभालना आता है। पैसा कैसे बनता है और उस पैसे से आप अमीर कैसे बन सकते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली होती है। इसलिए किसी भी इंसान को अगर गरीब से हटकर अमीर बनना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करे। डिसेप्शन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों अगला कारण है फॉर्मल एजुकेशन से मिलने वाला धोखा। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार उन्होंने डिग्री हासिल कर ली, अब उन्हें एजुकेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन शब्द का असली मतलब ही नहीं पता। दोस्तों डिग्री लेना एजुकेशन नहीं है, बल्कि हर एक दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहना एजुकेशन है। जिस तरह हमें सांस लेने के लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, ठीक उसी तरह अगर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो लगातार नई नई चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन हम यहीं पर गलती कर देते हैं, हम सीखना ही बंद कर देते हैं, खास तौर पर जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, और यहीं से गरीबी की शुरुआत हो जाती है। जबकि वो लोग जो हर दिन अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं और ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो उन्हें अमीर बनने में मदद करे, वो कभी भी गरीब नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर आप एलन मस्क को ही देख लीजिए, जो नए नए आविष्कार करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ट्रैप ऑफ जॉब डिपेंडेंसी। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, आप जितना ज्यादा पढ़ाई करते हैं उतना ही आप नौकरी पाने की राह पर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज को तो बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो एम्प्लॉइज को खड़ा कर सके। आपको कभी स्कूल में ये नहीं कहा जाता कि अमीर बनना, पैसे कमाना, बिजनेस करना। आपको तो ये सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ और फिर किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर लेना, लाइफ सेट हो जाएगी। जब मिल जाएगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। और लोग इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए जॉब डिपेंडेंसी के ट्रैप में फंस जाते हैं और जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं। और आप जितना ज्यादा नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं उतना ही आपके अमीर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि नौकरी इंसान को सुख सुविधा और पैसा तो दे सकती है, लेकिन किसी को अमीर नहीं बना सकती। अब ऐसे में लोग सोचेंगे क्या किया जाए, तो दोस्तों ये बात तो सच है कि हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल जरूर कर सकता है। बस उसके लिए इन्वेस्टिंग की कला आनी चाहिए। अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया तो आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन लायबिलिटीज। दोस्तों हाईली एजुकेटेड लोगों की एक सबसे बुरी आदत होती है जहां वो अपनी लायबिलिटी पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, अगर लोग महीने का 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना तो उन्हें लगता है वो बहुत अमीर है। इसी चीज को सोचकर वो हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और इस तरह की चीजें करके वो अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं।
कभी उन्हें लगता है कि महंगा और लेटेस्ट स्मार्टफोन ले ही लेना चाहिए, तो कभी लगता है इस ब्रांड के जूते खरीद लेने चाहिए, और इस तरह की सोच लोगों को वो मुकाम हासिल नहीं करने देती जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ पैसा कमा कर संतुष्ट हैं, लेकिन उसी पैसे को कैसे इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो 10 गुना होकर आपको वापस मिले, ये कोई नहीं सोचता। और इसी वजह से आज जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं उतने ज्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है। एरोगेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों, फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद इंसानों के अंदर जो घमंड और जो सिक्योरिटी की फीलिंग होती है वो भी कई बार उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि जब लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है वो छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी की बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। और लोगों की यही सोच उनके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको लोगों के सामने झुकना पड़ता है, और ये एटीट्यूड फॉर्मल एजुकेशन लेने वाले लोगों में कुछ ज्यादा ही होता है, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ नया कर पाते हैं ना ही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी। दोस्तों, कई सारे एजुकेटेड लोग इसलिए भी गरीब हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और जो नौकरियां अवेलेबल है उनमें इतना कॉम्पिटिशन है कि लोग हमेशा अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अगर हल्की सी भी गलती कर देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी और फिर दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी भी किसी दूसरी चीज में अपना फोकस नहीं लगा पाते, ना ही चीजों को सीखने में, ना ही पैसों को कमाने के लिए, ना ही स्किल डेवलप करने में, और इसी इनसिक्योरिटी के चलते फाइनेंशियली फ्री हो नहीं पाते। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, कई सारे पढ़े लिखे लोगों को अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आपने देखा होगा, जिसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं। इंसान चाहे नौकरी कर रहा हो या फिर खुद का बिजनेस चला रहा हो या फिर कोई दूसरा काम कर रहा हो, हर एक चीज में फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी बहुत है, ताकि ये पता रहे कितना पैसा कहाँ पर है, कितना कहाँ से आना है, क्योंकि जब लोगों को ये नहीं पता रहेगा तो वो क्या खाक अमीर बन पाएंगे। इंसान चाहे जितने डिग्रियां क्यों ना ले ले, उसे कभी भी ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको कैसे पैसे कमाना है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है, और फिर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और जो लोग लोन लेकर अपने एजुकेशन पूरा करते हैं या फिर अलग अलग तरह का लोन लेकर बैठ जाते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं, इनकी इनकम से ज्यादा उनके खर्चे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को तो जरूर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है, और इसी वजह से वो कभी भी उम्मीद से आगे बढ़ नहीं पाते, अमीर बन नहीं पाते, या फिर अपने बच्चों को पहले से ही इतना एजुकेट कर दीजिए तो वो बड़े होकर करोड़ों के मालिक बन जाए। और उसके लिए आपको पैसों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के सफर में आपको डिग्रियां नहीं बल्कि इस तरह का नॉलेज ही काम आएगा। बाकी आपके वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना, धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।